वेलकम वेलकम सिद्रा किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की जो रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, वो है पसंदे। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में भी, अपने ही फैमिली में भी। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें, हमने पसंदे लिए हैं इस कदर पतले, कटिंग करवाए हैं और 3 से 4 अदद प्याज कटिंग करी है। 2 टीस्पून हमने खसखस लेके पानी में भिगो दिया था, 1 टीस्पून हमने नमक लिया था, 2 टीस्पून हमने दही लिया था, 1 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का लिया था और जायफल जावित्री ली है और इसमें गरम मसाला है, छोटी इलायची है और इसके साथ हमने पीसी मिर्च ली 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने हल्दी ली है। हमने 1/2 प्याली तेल डाला और गरम करने रखा। उसके बाद हमने 3 से 4 अदद जो प्याजों की कटिंग थी वो ऐड करी। प्लेट में निकालते हैं, अच्छा सारी प्याज को हम प्लेट में निकाल के फैला लेते हैं। बड़ी क्रिस्पी सी हमारी प्याज तली गई है और उसके तलने के बाद हम इसमें इसी तेल में अपने पसंदे ऐड करेंगे। इस तरह से हमने पसंदे ऐड करे और हमने गरम मसाला ऐड करा और अदरक लहसुन 1 टीस्पून हमने इसमें डाला और फ्राई करते रहे। इस तरह से हम पसंदों को फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट। अदरक लहसुन डाल के हमने इसको फ्राई कर लिया। देखें बहुत अच्छा सा इसका कलर चेंज हो चुका है। कलर चेंज होने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून पीसी मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये देखें कितना मज़ेदार सा इसका कलर लग रहा है। पसंदे भी देखें आप, बहुत ही मज़ेदार से कलर के साथ इसको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। ये देखें फ्राई करने के बाद 1/2 गिलास हमने पानी ऐड करा और 20 मिनट के लिए हमने कवर अप कर दिया। मिनट बाद हमारे पसंदे देखें बहुत अच्छे से गल चुके हैं, रोगन ऊपर आ चुका है। उसके बाद हमने जो प्याज फ्राई करी थी और हमने इसको इमाम जस्ते में पीस के इसमें ऐड करा। उसके बाद हमने दही में जायफल जावित्री छोटी इलायची ऐड करके इसमें दही भी ऐड करा। इस तरह से हम मिलाते चले गए और हमने 2 टीस्पून भर के जो खसखस ली थी हमने 2 घंटे पहले भिगोया था इसको सिल पे पीसा, हमने वो भी ऐड कर दी और सब मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करा। देखें इसके कलर देखें कितने खूबसूरत कलर लग रहा है। ना मैं इसमें खोपरा ऐड करती, ना बादाम ऐड करती। इसका जायका देखिएगा पसंदों का। अब ये देखें फिर मैं 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा कवर करूँगी कि दही का पानी खुश्क होगा, फिर आपसे मिलती हूँ। 15 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से हमारे पसंदे रेडी हो चुके हैं। ये देखें इसकी बोटी देखें आप, कितने मज़ेदार कितने खूबसूरत इसका कलर है, तेल भी ऊपर आ चुका है। अब हम चलते हैं डिश आउट की तरफ। डिश आउट करी, बहुत ही मज़ेदार हमारे पसंदे रेडी हो चुके हैं। आप भी हमारे रेसिपी को फॉलो करें करें और कमेंट में बताया करें आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।